जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। तबादला ख्याल किया गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन के ऊपर जोर दिया गया, अफगानिस्तान में अमन जो है वो तरजीह है पाकिस्तान की भी और सारी दुनिया की। लेकिन ये जो कल बयानात दे आए और अब वो चले जाएंगे मोदी सरकार से मिलने, तो क्या इमेज क्या है हमारी, खारजा पॉलिसी इन चीज़ों को चेक क्यों नहीं कर सकी? और रजा रबानी साहब ने भी बहुत वाज़े तौर पर कहा कि अगर कुछ शरायत हैं पाकिस्तान की और अमरीका के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने की, तो वो अवाम को या पार्लियामेंट को उस हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? एक तो मैं समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल का हमें जायजा दो तीन पहलुओं से लेना चाहिए। नंबर एक ये है कि रेक्स टेलरसन हो सकता है बतौर वजीर खारजा आखिरी दौरा कर रहे हों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अमरीकी CIA के एक डायरेक्टर और UN में अमेरिका की जो नुमाइंदा हैं वो खातून टेलरसन की जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है उन दोनों में से कोई अगला अमेरिकी वजीर खारजा हो। और इस दौरे में टेलरसन की कोशिश ये है कि मैं किसी न किसी तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोलूं और जो इंडियन और यहूदी लॉबी है उसको ज़्यादा मुतमिन कर सकूँ, मगर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें उनके शायद काम ना आ सकें। अब आते हैं दूसरी सूरत हाल की तरफ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब पिछले कुछ अरसे से अमरीकियों की एक आदत बन गई है कि वो पाकिस्तान आने से पहले अफगानिस्तान यात्रा करते हैं और फिर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के बाद वो दिल्ली यात्रा करते हैं, अब ये जो पाकिस्तान आने से पहले जो उनकी काबुल यात्रा है उसमें जो उनको ब्रीफिंग दी जाती है उसमें NDS के लोग होते हैं और रॉ के लोग होते हैं, और उसमें यही होता है कि भारतीय लॉबी और अफगान लॉबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रही होती है। और जब वो पाकिस्तान से होकर दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में भी रॉ की जानब से उन्हें ब्रीफिंग दी जाती है। तो असल में काबुल में जो उन्होंने बातें की वो दरअसल इंडियन लॉबी की सोच की इक्कासी करती हैं। टेलरसन साहब को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिसने दहशतगर्दी में उसके फौजी अफसरान ने शहादतें पाई हैं, उसके आम फौजियों ने शहादतें पाई हैं, उसके आम शहरियों ने जो सिविलियन हैं उन्होंने शहादतें पाई हैं, पाकिस्तान की बहुत सी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की वजह से खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं और पाकिस्तान का मुआशी नुकसान भी हुआ है। तो हकीकत तो ये है कि सोचना तो ये चाहिए टेलरसन साहब को और कहना भी ये चाहिए कि पाकिस्तान के लिए दुनिया को कुछ करना चाहिए। नहीं मदर साहब, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर रेक्स टेलरसन जो है वो अभी जा रहा है मोदी सरकार से मिलने और इंडिया आपको पता है कि जो प्रोपेगेंडा कर रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और वो उसकी बात कुछ किसी हद तक जो है वो सुनी भी जा रही है अमेरिका में, क्योंकि उनकी एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है, जो लॉबिस्ट हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि ज्यूइश लॉबी और इंडियन लॉबी जो है वो बहुत एक्टिव है, हमारे वज़रा जाते हैं अमेरिका में मीटिंग्स करके आते हैं, हमारे वजीर आजम भी गए, तो हमें लॉबिस्ट चलें ठीक है हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे पास पैसों की कमी है, मामलात हो सकते हैं इस तरह के, लेकिन एक बयानिया जो इंटरनेशनल वर्ल्ड को हमें देना चाहिए जिसकी वजह से शायद अमेरिका भी इन्फ्लुएंस हो सके, वो हम क्यों नहीं दे पा रहे अब तक?
समीर साहब, ये हुकूमत का काम है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत मुसलत है जिसने पहले 4.5 साल तो वजीर खारजा नहीं बनाया और उनके जो वजारत खारजा में जो दो बूढ़े आदमी काम करते थे वो आपस में लड़ते थे और उसके बाद एक ऐसे शख्स को वजीर खारजा बना दिया गया जिसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं। पार्लियामेंट के अंदर कई दफ़ा उस शख्स की ज़बान की वजह से लड़ाइयाँ हुई, तो हमें कम अज़ कम एक ऐसे शख्स को वजीर खारजा बनाना चाहिए जिसकी ज़बान पे कंट्रोल हो। और फिर उसने जाके वहाँ ऐसी बातें की जो पाकिस्तानी कौम की सोच की इकास नहीं थी। मैं फिर इस बात पे कायम हूँ कि टेलरसन जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नौकरी भाज जाए, वो CIA के एक डायरेक्टर और अमरीकी जो UN की नुमाइंदा हैं UN में अमरीका की, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। हो सकता है अगले चंद रोज़ में आप सुने कि उन दोनों में से किसी एक को अमरीकी वजीर खारजा बना दिया गया है। देखें मदर साहब, अब इतलात ये भी हैं कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो टिलरसन के मुलाकात के बाद जो है वो दिल्ली पहुंच गए और वहाँ पे उनका जो है वो एक दौरा इस वक्त जारी है और आज रात किसी वक्त टिलरसन भी वहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों मुमालिक के जो हैं लीडर्स, मतलब इंडिया और अफगानिस्तान के, अगर जो कल हमें मैसेज मिल रहा है वहाँ पे जॉइंट प्रेस टेक से वो, और उसके बाद आज उनकी भी मुलाकातें हो चुकी होती हैं, हो चुकी होंगी जब टिलरसन वहाँ पहुँचेंगे, तो वो तो एक अपना एक उन्होंने एक इकट्ठा गठजोड़ जो कर लिया है भारत ने और अफगानिस्तान में हमारे साथ हमारे खिलाफ, और NDS और रॉ जिस तरह आपने कहा उन्होंने ब्रीफिंग दी है, तो ये तो वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि हम पाकिस्तान को बाकायदा किसी सोची समझी स्कीम के तहत कॉर्नर किया जा रहा है और उसकी मेन वजह यही है कि अब हमारे साथ चाइना खड़ा है, अब हमारे साथ रशिया खड़ा है और हमारे साथ दीगर बड़ी कुवतें खड़ी हैं क्योंकि CPEC बनने जा रहा है। तो ये मामला जो है ये जानबूझकर क्रिएट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कि जिस दौरान टेलरसन जो हैं वो काबुल से पाकिस्तान आए हैं, इस्लामाबाद आए हैं, आखिर इस दौरान अफगान लीडर को दिल्ली जाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या वो दिल्ली में जाके क्या कहेंगे? मेरा ये सोच है या मेरा ये ख्याल है कि वो दिल्ली में जाके इंडियन लॉबी को, इंडियन क़यादत को ये बातें बताएंगे कि हमने काबुल में टेलरसन को ये कुछ कहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लिहाजा आप भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यही बातें कहें ताकि जो अफ़गानिस्तान और इंडिया का मौक़िफ़ है वो जॉइंट हो और अमरीकी क़यादत को ऐसा लगे कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ जो है वही सच है, वही दुरुस्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं या अफ़गानिस्तान की क़यादत है ये एहसान फरामोशी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इनके मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों ने इनका साथ दिया, इनके मुश्किल वक्त में इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इनको इधर सारी सहूलतें देते रहे और आज अफगानिस्तान की क़यादत बदकिस्मती से इंडिया के साथ मिली हुई है। अशरफ गनी साहब इंडिया में जाके सिर्फ उनको ये ब्रीफ कर रहे हैं कि काबुल में हमने अमरीकी वजीर खारजा के ये कान भरे हैं, आप भी इसी तरह के कान भरें ताकि अमरीकी वजीर खारजा समझे कि जो अफगान सदर कह रहा है वही सच है, क्योंकि इंडियन क़यादत भी वही बातें